हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशि डेडाज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हैप्पी शिवरात्रि। एक्चुअली जब मैं ये ब्लॉग डालूंगी तो शिवरात्रि होगी, आज है शिवरात्रि से एक दिन पहले। और आज है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मंदिर की साफ़ सफाई तो मेरी हो चुकी है, शिवरात्रि कर रहे हैं हम, खूब सारी तैयारियाँ। जब जन्माष्टमी आती है तो भी हम वो सारी तैयारियाँ करते हैं, और अब शिवरात्रि पे भी, क्योंकि शिवरात्रि आप में से सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट कि शिव जी और पार्वती जी की एनिवर्सरी रहती है एक टाइप से, मतलब शादी हुई थी उनकी तो वो दिन होता है। तो आज के दिन, जैसे हमारे यहाँ सबके शादी से एक दिन पहले होती है मेहंदी, सो आज हमने भी रखा है एक छोटा सा मेहंदी का फंक्शन। हम करेंगे मेहंदी, लगवाएंगे शिवरात्रि पे शिव जी और पार्वती जी की शादी की खुशी में। और कल होगी शिवरात्रि, और वो भी हम बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। सो वो तो आपको कल पता चलेगा, क्योंकि उसका एक्साइटमेंट मैं अभी नहीं खोलूँगी, बट आज मेहंदी डेफिनेटली हम लगवाने वाले हैं, मैं और दीदी। और चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मॉर्निंग है, अभी तो डीवा और काना का तो खैर हो गए, एग्जाम्स ख़त्म फाइनली, वो गए आज पिकनिक पे, डीवा सो रही है। तो मैं अभी अपनी किचन फटाफट निपटा लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, सुबह का पता ही आपको मैं ही बनाती हूँ, तो जल्दी से अपना नाश्ता वगैरह निपटाती हूँ, फिर आएगी मेहंदी लगाने के लिए, तो फिर वो करेंगे स्टार्ट। ये है आकिफा मेहंदी लगाने। हाय। हेलो। और ये मदीना। अच्छा, फ्रेंड है मदीना। सो ये दोनों लड़कियाँ लगाएंगी आज मेहंदी, और दिखाती हूँ उसके बाद, और बीच बीच में दिखाते रहेंगे। गाइस, यहाँ पे लगने शुरू हो गई दीदी की मेहंदी, और सेम डिट्टो कॉपी डिज़ाइन करवा लिया है, सुंदर है ना। अच्छा, और मेरी एक हाथ में लग गई, तो ऐसे हो गई है वो बड़ खबर सी, सूख गई ना भाई। या तो बिल्कुल गीली अच्छी लगे, या फिर बिल्कुल उतरने के बाद। हाँ, अभी वो अजीब सा कलर हो गया, तो खैर इनकी मेहंदी का रंग भी तो खास बात है। मेरी मेहंदी, मतलब मेरी दीदी के अकॉर्डिंग 80% रंग है, मतलब या कि 100% है ना, मेरी 80% कलर आवे, तेरे ज़्यादा रंग में अच्छा, मेरा कम आवे। इसके ऐसी आवे, और मेरा कितनी मेहनत करनी पड़े, पर मेरा फिर भी इनकी से अच्छा रंग आ गया। इधर ना, मेरी शादी पे भी रची, मेरी शादी में बहुत बुरी लगी, हल्की 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 रची थे, मेरी शादी पे बहुत अच्छा कलर आया। प्यार करने वाले पति मिले हमें, ऐसी है टाइम पास, देख देख के रिका जब मेहंदी का रंगीन रचा था। अच्छा, अभी तो अभी बात सास को कहते थे, सास तो सेम ही, सास तो सेम ही है, पर अभी तो ब्रेड पकौड़े कौन खवा रहा है, चाय कौन पिला रहा है। जी जी है ना, वो तो ही खिलाते हैं भाई आके, वो जो उस टाइम मौजूद हो गए उन पर हमने खा लिए, तो कभी खवाए थोड़ी है। तेरे 3 साल पहले करवा चौथ के ब्लॉग में भी आएंगे क्या, जो तेरे मेहंदी लगी वहाँ बैठ बैठ के, तो सर की खवाई सुबह सुबह शाम वाले में, हाँ शाम को होगा, तुमने एक दिन पहले मनाया ना, खा रही कुछ, कभी खा लूँ फिर ना खाऊंगी सुबह। और ये जो है ना चेक, इसमें ऐसे दे देना, ठीक है, तो मैं कर रही हूँ कंप्लीट हो गया। और इस पे लड़के क्या देख रहे हैं हम, अभी तो मुझे देख रहा हूँ, गौर सब रोएगा, ये आदत पड़ रही है, वहाँ पतले पतले संबंध देख रहे हैं, यहाँ दिख रही है सब मोटे मोटे। तो ये देख का सरा मोन देख का ना सर दे रुक जा, तो मैं बताऊंगी ये कौन सा पल्ले पड़ जाए कि जो दिव्य को डोन है पीक वगैरह भी कान की तरह है, यू तेज आवाज से डरा है आज आने तेरे यहीं रख ले हमको, पूजन तक गर्म साफ हो जाए, हमारी गल चल ली है, तैनी घट जाएगी तेरी, फिर तुझे हम अपने साथ लेके आ जाएंगे, है ठीक है, हमारी गल चल ली हो,
अब तो तू रोता भी नहीं है। क्या क्या दिख गया तेरे को? मेरी मम्मी दिख रही है, मान रो रहा मैं ध्यान से देख रहा हूँ। क्या देख रहा? और आज है शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि, आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग गई है, कलर बहुत प्यारा आया है। और गाइस अभी हो रहे हैं सुबह के 8 और मैं जा रही हूँ, उठ गई हूँ, मैंने लगा ली है झाड़ू, अभी लगाना है मुझे पोछा, क्योंकि पता नहीं आज रूपाली आएगी या नहीं आएगी। सो एक बार तो अपनी आप सफाई करनी है, और क्योंकि पूजा पाठ करनी है, फिर हम जाएंगे मंदिर, तो उससे पहले मैं नहा लूँ। और आज मैंने ना बहुत ही प्यारा सा सूट पहनूंगी, जब आगे व्लॉग में देखेंगे। सो ये मैंने ना आपको बताऊँ, मैंने शादी के 1 साल बाद ली थी ये साड़ी, और मतलब 11 साल हो गए साड़ी को, पड़ी हुई थी, तो मैंने इस बार इसका ना सूट बनवा दिया, रेनोवेट करा दी, क्योंकि वो साड़ी तो ऐसे पहननी जानी नहीं थी, साड़ी तो इतनी हम पहनते भी नहीं है, तो मैंने बनवाई, फिर दीदी को लगा अरे अच्छा लग रहा है, फिर दीदी ने भी अपनी एक पुरानी पड़ी हुई साड़ी का सूट बनवा दिया, तो मस्त लग रहा है दोनों का सूट, हम दोनों पहनेंगे आज अपनी अपनी साड़ियों के। दुपट्टा भी ऐसा है, मैचिंग कर लिया किसी और सूट का था, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अभी आपको दिखाएंगे। और चलते हैं मंदिर, फिर आज है शाम को रुद्राभिषेक की हमने पूजा रखी है, शाम को वो होगी, बट अब उससे पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ और फिर करती हूँ अपना ब्लॉग आगे का स्टार्ट। तो हैप्पी शिवरात्रि जिस जिसने फास्ट रखा है, सबको शिवरात्रि की शुभकामना, जिसने नहीं रखा उन सबको भी। तो तू लेट लतीफ, तू जा रही है मंदिर? मैं लेट नहीं हूं, मैं बैठ के लेट हूं, मैं तो तैयार हूं, मैं भी तब से तैयार हूं। तो देख तेरा ज्यादा लंबा होना, मेरे से चढ़ना रहा तेरा की चढ़ रहा। हां मेरा लंबा है थोड़ा, तो और भी अच्छा तो ये इसकी साड़ी में से ये मेरी साड़ी में से फाल्गुन मासे श्री कृष्ण पक्षे अदित्रयोदश्याम शुभ्रे नमः।
टैडू तेरा हाथ तो देखने लायक ही नहीं है लड़की। ये वाला ना ये मेरा ही जल जाता, मेरी लाडो का हाथ जल गया। नहीं कुछ नहीं, ठीक है ये गीला और उतार, दूसरा पहनाएंगे इसको, उतार दे। देख कर डरी है। आज बने हैं शिवरात्रि पे कुट्टू के पकोड़े, सबका फास्ट था उनके लिए, और कान्हा के पापा के लिए बनाई थी मैंने आलू टमाटर की सब्जी, क्योंकि आलू बॉईल थे तो उसी वजह से मैंने बना दी। यहाँ पे काफ़ी सारा मिक्सचर बच गया है, अभी कान्हा मिकी खा सकते हैं। साथ में बनाई थी दीदी ने चटनी, और अभी बस किचन समेटनी है, सो साथ में थी दही। तो ये था सबका आज का डिनर, और दीदी का रहता है मीठा फास्ट, तो वो खाएगी। उसने खाए थे सिंपल आलू फ्राई करके, मतलब उसमें कुछ नमक वमक नहीं डाला था, ना मीठे बनाए थे ना नमकीन बनाए थे, तो उसका तो सिंपल फीका खाए थे। और मैंने तो यही खा ली क्योंकि ना मेरा माइग्रेन हो जाता है, तो भैया बिना नमक के तो मेरा बीपी लो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट मैं फास्ट रख लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वैसे मुझे डॉक्टर की तरफ से अलाउ नहीं है कि मैं फास्ट वगैरह रखूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा बीपी लो या फिर मेरा माइग्रेन की दिक्कत हो जाती है। और गाइस मेरी मेहंदी दी कितनी सुंदर लगी है, मैंने लगवाई थी वैष्णो देवी जाने के लिए, बट जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत सारे लोगों को, या फिर हमें ऐसा सुनने में आया था पंजाब में ना, अभी 10 तारीख को ये सब बंद रहेगा किसानों की वजह से, कुछ चलने वाला है, तो हमें था हम जाएंगे और आते टाइम कुछ इशू ना हो, बच्चे भी साथ में हैं, तो या फिर ये कह लो माता रानी का भी बुलावा नहीं था। मेन रीज़न तो यही था कि माता रानी का बुलावा नहीं था, तो हमारा वहाँ का प्रोग्राम हो गया है कैंसिल, बट हम लोग जा रहे हैं काशी विश्वनाथ बनारस। तो हम लोग कल जाएंगे वहाँ पे, तो अभी मुझे किचन वगैरह समेटनी है, सुबह के लिए करती हूँ मैं तैयारी, देखते हैं। अभी तो यही हो रहा है, बट अभी तक 10 बजे हुआ, मेरी पैकिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए आज तो यही था, फास्ट वगैरह हमारा हुआ बहुत अच्छे से, शिवरात्रि थी बहुत बढ़िया रहा, आज हमने पहली बार रुद्र अभिषेक कराया तो बहुत मन को शांति मिली, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए फिलहाल तो बाय बाय, और डीबा का हाथ बहुत ज़्यादा जल गया जिसकी उसमें बहुत ज़्यादा दुखी, और अभी मैंने ना आधी टेंशन तो यही है कि पता नहीं अब कल जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ में ना बहुत मोटे मोटे छाला सा पड़ गया है, अभी तक उसके दवाई ववाई लगानी है, तंग ना करे कुछ परेशान ना हो। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं जाते, कल नहीं जाते परसों जाएंगे, क्योंकि उसके हाथ का थोड़ा सा ठीक हो जाए, कहीं रास्ते में जाते फूट जाए, इन्फेक्शन हो जाए, बच्ची है छोटी है ना, तो इसकी वजह से। तो गाइस मैं बताती हूँ उसका हाथ जला कैसे। हम लोग मंदिर से आए थे, वहाँ से आकर मैं चाय का ग्लास लेके बैठी, और ना आज मैं स्टील के ग्लास में पी रही थी, और डीवा आई शैतानी करने लगी थोड़ी सी, तो वो शैतान है ही, वहाँ पे ना लिपस्टिक वगैरह कुछ लगा रही थी, और ना उसका हाथ लग गया ग्लास में, और वो चाय थी गर्म और उसके हाथ पे गिर गया। और मैंने ना उसे सुबह तैयार करा था, मैं जब नहा रही थी उससे पहले मैंने उसको रेडी कर दिया था, मैंने गर्म कपड़े पहनाए उसको, मतलब गर्म इनर वूलन वेयर, और ऊपर से मैंने उसको पहनाई सूट, फिर ना वो जो
सूट तो नॉर्मल था बट जो गर्म था ना वूलन वाला उस पर वो चाय गिरना चिपक गया, जिसमें उतारा था उसके साथ खाली भी निकल गई, मतलब लेयर्स ही निकल गई, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो गया था मेरे को देख के। और बेचारी इतनी छोटी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली कुछ दिन पहले ही मेरे साथ ये हुआ है ना, कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले, तो मुझे पता है कितना पेनफुल रहता है जब मेरे लिए इतना मुश्किल था, तो वो इतनी छोटी बच्ची है कैसे बर्दाश्त करेगी पता नहीं, क्योंकि अभी तो उसमें वो मोटा सा छाला बनेगा फिर वो फूटेगा, ये चीज़ भी हो गई, बस समझ ही नहीं आ रहा। इससे तो भगवान मेरा हाथ दोबारा जल जाता, बस ये होता है माँ बाप के लिए ना कि बच्चों को दुख में नहीं देख सकते, और इतने छोटे को तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगता कि यार इतने छोटे बच्चे कुछ होने से अच्छा तो मेरे हो जाता, पर हमारे कुछ भी हो भगवान करता नहीं है, करना उन्हीं के साथ था। और ऐसे होता है, वैसे ऐसे किसी के साथ हुआ है क्या कि बचपन में एक ना एक बार जलते ज़रूर हैं, मैं भी जली हूँ, मेरा ना हाथ यहाँ से पीछे से मतलब बैक साइड से यहाँ से जला हुआ है और काफ़ी बड़ा पैच है उस पर, वो भी मेरा भी ऐसे ही कि मैं तो कढ़ाई में जल गई थी तो वो चिपक गई थी, वो भी सर्दियों के दिन थे तब, मैं अभी तक निशान है, बट देखो डीवा का तो कैसे करेंगे। और अब रो पीट के मैडम भाग गई बड़ी माँ के साथ ऊपर, मुझे जाना है ऊपर ऊपर रो रो के। चलिए फिलहाल तो मैं करती हूँ बाय बाय। तो गाइज़ इसके बाद मैंने अपना सारा काम निपटाया, किचन विचन सारी क्लीन करी और फिर अपने कपड़े चेंज करे। और गाइज़ ये वाला सूट के बारे में मैंने आपको बताया था ना सुबह, वही है ये, और इसमें थोड़ा फुल लुक ये दिख रहा है, बहुत सुंदर सूट लगा था, सब को अच्छा लगा था, बट हाँ गैस भी कर रहे थे कि ये साड़ी में से बनवाया है, हाँ ये साड़ी में से बनवाया था। तो मैंने यहाँ पे अपना फटाफट किचन क्लीन करा, और गैस डीवा के ना हाथ काफ़ी ज़्यादा जल गया था, तो पता नहीं अभी थोड़ा सा ब्लॉग्स पहले की तरह, मैं सोचती थी खाना के एग्ज़ाम हो गए तो जल्दी जल्दी आएंगे, बट उसके हाथ की वजह से अब देखते हैं क्या होता है, और जाने का प्रोग्राम कैसा होगा कैसा नहीं, तो वो भी मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग्स में जल्दी ही शेयर करती हूँ। सो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही।